पता नहीं क्या क्या बकती रहती हो तुम। आप ही तो मेरी बात सुनो, आप ही। अब आप सारी जिंदगी रोती रहेंगे अपने बेटे। आज आपने मुझसे चीख चीख के कह दिया कि मैं माजूर हूँ, तो मैं आपको पूरा माजूर बन के दिखाऊंगा। अरे फैसल, छोड़ दे अम्मी, मुझे नहीं चाहिए सहारा। मुझे माजूर को जीने का हक नहीं होता है। अम्मी मैं माँ हूँ तुम्हारी बेटा। अम्मी आप नहीं है माँ मेरी, सब रिश्ते खत्म हो गए हैं। फैसल, माजूर को सिर्फ हमदर्दी चाहिए होती अम्मी, आप मुझे वही नहीं दे सकी अम्मी। फैसल, रेहान, रेहान, फैसल, फैसल। क्या हुआ अम्मी? अरे क्या क्या हुआ? फैसल, फैसल, मना किया था ना मैंने अम्मी आपको, कितना मना किया था कि आप वहां मत जाइएगा। एक बात याद रखिएगा अम्मी, फैसल को फालिज ने माजूर नहीं किया बल्कि आपने किया है। वो अपनी बीवी से मिलने गया था। क्या चाहते हो तुम? हाँ क्या चाहते हो कि खुदा ना खास्ता हम दोनों फैसल की बातें करते रह जाए? नहीं जाने दूंगी मैं अपने बेटे को उनके पास। अरे वो खुद जान क्यों नहीं छोड़ देते उसकी? अपनी नफरत ने आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी है। आपको लग रहा है कि आप अपने बेटे को जिंदगी दे रही है, लेकिन आप उसकी सांसें छीन रही हैं। जाइए अंदर जाके देखिए क्या हल कर दिया आपने उसका। देखिए हमने आपको खुलकर बताया था कि इन्हें हर किस्म के स्ट्रेस से बचा के रखना है। इन्हें देख के तो मुझे लगता है जैसे जानबूझ के मारने की कोशिश की गई स्ट्रेस दे देकर। जी बिल्कुल ऐसा ही डॉक्टर साहब। फिर आप डॉक्टर से क्यों पूछते हैं कि मरीज का क्या हाल है? जी अगर आप मुझे पहले बुला लेती ना तो बात इतनी आगे ही नहीं बढ़ती। उनको लगता है कि इस सब की वजह तुम हो। आंटी ये तो और अच्छी बात है, अब देखे ना एटलीस्ट सबको वजह तो पता चल गई, वरना वजह ढूंढने में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन बेटा वो तो वजह को ही खत्म करना चाहते हैं। तो मैं खत्म हो जाती हूँ आंटी, इसमें परेशानी की क्या बात है बेटा? आंटी अगर मोहब्बत की आंखें बंद कर दी जाए तो वो और बेचैन हो जाती है। अब अगर ये लोग मेरी मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे तो खुशी होगी। बेटा तुम जानती हो मैं पसंद करती हूँ तुम्हें और चाहती हूँ कि तुम फैसल की जिंदगी में शामिल हो जाओ, लेकिन इस वक्त फैसल बहुत बुरी कंडीशन में है और डॉक्टर्स ने उसे स्ट्रेस लेने से मना किया होगा और रेहान ने हर बात का मलबा आप पर डाल दिया होगा ताकि आप चुप कर जाएं, है ना? तो आंटी आप ऐसा करें कि आप वाकई में चुप कर जाएं, बल्कि ऐसा करें आप मेरे साथ चलें मेरे घर। वैसे भी अबू तो हफ्ता 10 दिन के लिए जा रहे हैं दुबई। नहीं बेटा मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी? ये अलग बात है कि मुझे मेरी अपनी औलाद अपना दुश्मन समझने लगी। चले हफ्ता 10 दिन नहीं, एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए चले। पता नहीं फैसल क्यों नहीं समझ रहा, पता नहीं कौन सा जादू कर दिया फैसल पर उन लोगों ने। तो आंटी जादू का तो एक ही हल है, उससे भी बड़ा जादू
क्या मतलब? मतलब ये कि आप मेरे साथ चले मेरे घर। रेहान कहता है कि फैसल की ये हालत मैंने बनाई है, हालांकि मैं तो उसे बचा रही हूँ। तो आंटी फाइनल हो गया ना, आप मेरे साथ चल रही हैं मेरे घर, बेशक आप शाम में वापस आ जाओ। जी बाबा, मैं बाहर हूँ। हाँ उसी के साथ, मैं आपके साथ दुबई नहीं आ रही। Because I am not for sale. अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, लेकिन आपको खुदाफिस कहने के लिए। नाराज हो रहे थे बाबा। आंटी हम सब किसी ना किसी दीवार के सामने मुंह करके खड़े हैं। मैं भी ये कर रही हूँ, फैसल भी ये कर रहा है। तुम अपने घर को संभालो बेटा, यहाँ तो ये सब कई सालों से हो रहा है। तो अब आप सब खत्म कर दें, हर चीज को कभी ना कभी तो खत्म होना होता है ना। मैं नहीं चाहती कि फैसल मरियम के साथ जिंदगी गुजारे। तो नहीं गुजरेगी आंटी, उन दोनों के दरमियान अब मोहब्बत नहीं है, जरूरत और हमदर्दी है। और ये दोनों चीजें तो भूख की तरह होती हैं, पेट भरते ही खत्म। मैं अब्बू को रुखसत करके आती हूँ, आप जब तक तैयार हो। लेकिन बेटा आंटी बस आप तैयार रहे, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ आपके पास। अच्छा सुनो, तुम वो मिसेज लुबना का ऑर्डर जो है ना उसे जल्दी पहुंचा दो, खाम खा बाद में फिर चिक चिक करती है। हाँ फारिया, अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। डार्लिंग तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं तैयार होने के लिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैं तो हमेशा ही तैयार रहती हूँ। मजाक नहीं है, यू आर कमिंग विद मी, और तुम जानती हो क्यों? बाबा मैं कोई फैब्रिक नहीं हूँ जिसे आप अपनी मर्जी से काट कर कोई भी डिजाइन बना लेंगे। तुम चाहती हो मैं कुछ ऐसा करूँ जो मैं करना नहीं चाहता? हाँ कर ले, वो भी करके देख ले, क्योंकि हो तो वो ही रहा है जो हम में से कोई नहीं चाहता। आपके लिए आपकी मर्जी नहीं हो रही, मेरे लिए मेरी मर्जी नहीं हो रही, और हम सब मिलकर अपनी अपनी जिंदगियों को धोखा दे रहे हैं। शट अप फारिया, मेरे पास तुम्हारे फजूल फलसफों के लिए वक्त नहीं है। बाबा आपको जिस लड़के से मेरी मंगनी करवानी है ना, उसको वहीं से किसी लड़की की शॉपिंग करवा दे, क्योंकि मैं अपनी शॉपिंग कर चुकी हूँ। स्टॉप इट फारिया। हाँ सही कह रही हूँ,